कंप्यूटर कोर्स से रिलेटेड वीडियोस पाना चाहते हैं तो अभी YouTube ऐप पर सर्च करें तरन्नुम कंप्यूटर एकेडमी। इसके बाद लोगो पर क्लिक करें और चैनल के नीचे ये रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, इस पर क्लिक कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल प्रेस कर दें। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये हमारी फाइल है डेस्कटॉप पर रिजवान नाम से। तो देखिए मैं इसको ओपन करके दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पर ये हमारी फाइल एमएस वर्ड में बनी हुई है। अभी इसको मुझे पीडीएफ में चेंज करना है, मतलब पीडीएफ में बदलना है। तो अभी हमारी ये फाइल जो है एमएस वर्ड में है। अब इसको पीडीएफ में बदलने के लिए यहाँ से हम क्लोज कर देंगे इसको। देखिए अपनी फाइल को यहाँ से काट देंगे हम। काटने के बाद जाएंगे हम गूगल में पीडीएफ में बदलने के लिए। यहाँ पर हम डालेंगे एक वेबसाइट ilovepdf.com, डालने के बाद एंटर करेंगे और देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा बट टू पीडीएफ, हमें बट से एमएस वर्ड से पीडीएफ में बदलनी है तो उस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर सिलेक्ट बट फाइल, जहां पर भी आपकी फाइल है यहाँ से सिलेक्ट करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए मेरी फाइल जहां पर भी आपने सेव करके रखी है वहां से ले लें। मैंने यहाँ पर डेस्कटॉप पर है मेरी फाइल, तो मैंने देखिए क्लिक किया है यहाँ पर और मैं अपनी फाइल को जिस भी नाम से है आप सिलेक्ट कर लें। मेरी फाइल यहाँ पर देखिए रिजवान नाम से ही आ रही है, इस पर क्लिक कर दूंगी दो बार। आप यहाँ पे ओपन करके भी खोल सकते हैं इसको और देखिए हमारी फाइल इस तरह से आ चुकी है। अब हमें यहाँ पर कन्वर्ट टू पीडीएफ में क्लिक करना है, इस पर क्लिक कर देंगे और हमारी फाइल कन्वर्टिंग होने लगी। देखिए ये अपलोडिंग होने लगी है हमारी फाइल और यहाँ पर देखिए कन्वर्टिंग वर्ड टू पीडीएफ, एमएस वर्ड से पीडीएफ में कन्वर्टिंग हो रही है हमारी फाइल यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए ये इस तरह से कन्वर्ट हो चुकी है। अब हमें डाउनलोड करनी है अपनी फाइल, तो डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे, डाउनलोड पीडीएफ, इस पर क्लिक करें और डाउनलोड हो जाएगी। देखिए मेरी फाइल हो रही है यहाँ पर साइड में, दो बार क्लिक किया था मैंने तो दो बार होने लगी है यहाँ पर। अब हमें इसको देखना है तो शो ऑल का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ये देखिए यहाँ पर क्लिक करके मैं इसको फाइल को दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पर ओपन करेंगे, इस पर दो बार क्लिक करें यहाँ पर। क्लिक करने के बाद देखिए हमारी फाइल जो है इस तरह से पीडीएफ में बदल चुकी है। यहाँ पर देखिए पीडीएफ में आ रही है इस तरह से। ये देखिए एमएस वर्ड की फाइल को पीडीएफ में इस तरह से बदल सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अभी हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं एक नई और खास वीडियो के साथ, तब तक